मेरा नाम शाहिद एहसानुल्लाह है और आई एम वर्किंग एज मेंबर वेस्ट जोन बलूचिस्तान नेशनल हाईवे अथॉरिटी में। सर, इस वक्त बलूचिस्तान में कितने किलोमीटर मजदूरी तौर पे काम हो रहे और कितनी लागत की है, कितने अरब रुपए की? जी, इसमें गुजारिश ये है जी कि हमारा जो मेंटेनेंस के जो काम चल रहे हैं, जो टोल रेवेन्यू से हम लोग कर रहे हैं, वो 3,802 किलोमीटर नेटवर्क जो पूरे बलूचिस्तान में है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो हमारा जो एनुअल मेंटेनेंस प्लान है उसमें इस साल हम तकरीबन 5.6 अरब रुपए खर्च करेंगे जो एलोकेशन हमारी हुई है। फिर उसके बाद हम लोग ई बिडिंग के थ्रू, जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ई बिडिंग के थ्रू हम लोग टेंडर्स अवार्ड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो ये तो मेंटेनेंस की मैंने बात कर दी, इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स जो हमारे चल रहे हैं PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू जो चल रहे हैं, और PM साहब का जो स्पेशल इनिशिएटिव है बलूचिस्तान साउथ के लिए, उसके लिए हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं और अभी इन द नियर फ्यूचर लॉन्च हो जाएंगे। जो ऑन गोइंग है ना सर, वो जो साउथ की अगर मैं पहले बात करूँ बलूचिस्तान साउथ, तो उसमें हुशाब अवरान हमारा ऑन गोइंग सेक्शन है, फिर उसके बाद जलजाओ बेला हमारा ऑन गोइंग सेक्शन है जिस पर काम चल रहा है, फिर उसके बाद हमने अवरान से नाल की 168 किलोमीटर की हम लोग टेंडरिंग कर रहे हैं, अभी वो हमारा टेंडर प्रोसेस जारी है, फिर बसीमा खुजदार हमारा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, वो माशाल्लाह 70% प्रोग्रेस है उसके ऊपर, और जो प्लानिंग स्टेज में है जो अभी टेंडर अवार्ड नहीं हुआ, जिस तरह चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फरमा रहे थे खूनी रोड का, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया है कि खुजदार से लेकर कुछ लाख तक हम लोग एक GOP फाइनेंस कर रही है, 170 किलोमीटर रोड ड्यूलाइज इंशाल्लाह हो जाएगी वो है। फिर उसके बाद CPAC का जो रूट है हमारा, वो कलात से कुछ लाख से जोप तक जो है उसमें दो सेक्शन हमारे ऑन गोइंग हैं, वो काम चल रही हैं। फिर उसके बाद जो है हमारा कोई मिस हो गया, इस तरह हमारे काफ़ी, हाँ, नुकुंडी माशकेल CPAC का एक रूट है, नुकुंडी माशकेल, फिर माशकेल पंजगूर, ये फिर हमारी N40 लिंक हो जाएगी N85 के साथ, ये एक शॉर्टेस्ट रूट बन जाएगा हैवी ट्रैफिक के लिए, वो हमारा एक ऑन गोइंग है। हाँ, वेस्टर्न बाईपास और DMJ, वेस्टर्न बाईपास की अगेन बड़ी रिक्वायरमेंट है क्वेटा सिटी के लिए, वो 4 लेन हो जाएगी, और DMJ का इंशाल्लाह बाईपास है, ये तो ऑन गोइंग है। नहीं नहीं, 5.6 बिलियन रुपीज़ जो मैंने अर्ज़ किया है ना जी, वो है हमारे NHA के जो अपने फंड्स हैं, जो टोल रेवेन्यू के, वो GOP के फंड्स नहीं होते, वो जो मैं और आप हम सब मिलके जो टोल पे करते हैं वो फंड्स होते हैं, उसके तहत जो है ना हम लोग मेंटेनेंस सिर्फ करते हैं। कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं ना जी, जो नए प्रोजेक्ट्स की जो कंस्ट्रक्शन है या रिहेबिलिटेशन है, वो PSDP के फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, वो अलग है, ये फंड अमाउंट अलग है। सर, हम पूछना चाह रहे हैं कि कितनी लागत क्या है इन तमाम सड़कों की तामीर पे, कितना अखराजात कितने आ रहे? सड़कों की तामीर के जो अखराजात है वो मैं आपको ब्रीफिंग में आपको पूरी हार्ड कॉपी दे देता हूँ। एक तो तामीर जो हो रही है, जो कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, वो PSDP से हो रही है, वो हर प्रोजेक्ट की अपनी एक अलग लागत है, अलग अलग लागत है। फिर उसके बाद जो मेंटेनेंस का, जो मैं तकरीबन 5.6 अरब रुपए की बात करूं, वो एक सेक्शन के ऊपर पूरा पैसा खर्च नहीं होता, वो पूरे बलूचिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होता है पैसा, और उसमें ये होता है कि पीरियोडिक मेंटेनेंस के डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, मतलब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जो ख़राब हो जाते हैं उनको हम लोग एसफॉल्ट से मेनटेन करते हैं, वो मतलब उसके तकरीबन कोई 50-60 बेतहाशा उसके टेंडर होते हैं, वो टेंडर हम अखबार में देते हैं ई बिडिंग के तहत, फिर उसमें जो है ना टेंडर प्रोसेस होता है और वो फिर अवार्ड होते हैं पूरे बलूचिस्तान में। जिस तरह मकरान कोस्टल हाईवे पे इस साल हम लोगों ने 6 टेंडर लगाए थे जो कि कंप्लीट हो गए हैं, इसी तरह N25 पे हमारे रूटीन मेंटेनेंस के भी काम में है और पीरियोडिक मेंटेनेंस के भी काम में है, इसी तरह। थैंक यू वेरी मच।